फ्रेंड्स, कोडर ब्रेंस के इस चैनल में मैं उन्हीं साहब सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस पार्टिकुलर चैनल पे आप प्लेलिस्ट अलग अलग देख सकते हैं, जिसमें पाइथन कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिलेंगे, मोटिवेशनल वीडियोज मिलेगी और साथ ही साथ आपको सी लैंग्वेज की कंप्लीट वीडियो यहाँ पर फ्री मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग भी यहाँ पढ़ सकते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं या किसी भी अन्य इंजीनियरिंग ब्रांचेज के छात्र हैं तो भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमें आज जानना है कि अगर आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको प्लेसमेंट लेने के लिए क्या करना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप सभी को पता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में जितने भी सिलेबस हैं वो सारे थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बिल्कुल कम है। मतलब आप केवल मार्क्स के लिए पढ़ते हो, आपके टीचर्स भी केवल मार्क्स के लिए पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इस लेवल पे पढ़ाया जाए जो कि प्लेसमेंट में हेल्प करे, जो कि प्रोजेक्ट्स बनाने में हेल्प करे। तो इस लेवल की पढ़ाई नहीं होती और सिलेबस में भी ये नहीं है, और बहुत सारे कॉलेजेस में एडिशनल रूप में होती है लेकिन बहुत कम है। ठीक है, तो आपको खुद से कुछ करना होता है अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे तीन सबसे टॉप के साइट्स बताऊंगा जहाँ आपको प्रैक्टिस करने से आपकी प्लेसमेंट जो है काफ़ी अच्छे ढंग से हो जाएगी और काफ़ी आसानी होगी और काफ़ी आपको प्रोजेक्ट्स बनाने में या डिफरेंट लैंग्वेजेस को रीड करने में, स्टडी करने में भी आपको आसानी होगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको वहाँ मिलेंगे, उसको सॉल्व करिए, रैंकिंग अपनी बनाइए और अच्छे रैंक लाने के बावजूद आपको होगा ये कि आप बड़े बड़े कंपनी के जो ऑनर्स हैं वो डायरेक्टली वहाँ से हायर करते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हम हैकर रैंक के बारे में जानेंगे कि आखिर यहाँ पे हम कोडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने हैकर रैंक सर्च किया, हैकर रैंक यहाँ पे सर्च किया और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे साइन अप करेंगे, कैसे कोडिंग करेंगे। तो देखिए, हैकर रैंक का ये वेबसाइट है, आपको होम पेज पे ये मिलेगा। देखिए, अगर आप कंपनीज हैं, अगर आप खुद में कंपनी अगर हायर करना है तो उनके लिए एक अलग साइनअप कोड है, और अगर आप डेवलपर हैं मतलब अपने लिए जो कोडिंग करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग साइनअप कोड है। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, सिंपल आप लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो आप लॉगिन करेंगे, या आप क्या करेंगे कि आप अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड ऑलरेडी है, तो मेरे पास है तो मैंने क्या किया इसमें लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं अगर लॉगआउट करता हूँ, लॉगआउट यहाँ से करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे साइनअप एंड लॉगिन का। तो देखिए, मैं यहाँ पे साइनअप अगर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, बस तीन चीज़ ही डालना होता है, या आप डायरेक्टली गूगल से भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड हैकर रैंक का पहले से नहीं है, तब अगर है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और ऑटोफिल हो गया, रिमेंबर मी मैं कर दिया और मैं लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा दिखाएगा, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस पे आपको देखिए इंटरव्यू प्रिपरेशन किट आपको ऑलरेडी मिलेगा, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस यहाँ पे करके कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या होगा, वाम चैलेंजेस, JRS टिप्स, मतलब एक एक टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स मिलेंगे और प्रॉब्लम के साथ साथ आपकी रैंकिंग डेवलप होती जाएगी। और जैसे ही आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी तो वो क्या होगा, हायर जो कंपनी में हायरर्स होते हैं, जो HRs होते हैं, वो यहाँ पे विजिट करते हैं, तो आपकी रैंक अगर अच्छी है तो आप को वो कंसीडर करेंगे, आपकी रैंक को वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ जावा, सी, पाइथन, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस की आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, देखिए मैंने 52% यहाँ पे कर लिया है, तो मेरी रैंक यहाँ पे दिखा रही है 52% मैंने कर रखा है तब। ठीक है, 29,000 के आसपास। ठीक है, अगर आप पॉइंट देखें, मेरा 398.56 करके पॉइंट है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो मैं सॉल्व करूँगा तो मेरी रैंकिंग जो है टॉप 1000 में आ जाएगी। ठीक है, मतलब 48% और प्रोग्राम्स रह गए हैं इसमें जो करना है। ठीक है, प्रोग्राम्स की लेवल काफ़ी अच्छी होती है, तो एक प्रोग्राम में आपको हो सकता है 2-3 दिन भी लग जाए, तो ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं। आप इस प्रोग्राम को जब तक करिए जब तक आपसे नहीं होता है, अगर आपसे नहीं होता हो पाता है तो इसके लिए डिस्कशन सेक्शन होते हैं हर एक पार्ट में, तो मैं एक बार ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये रहा जावा, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिस्कशन सेंटर। जैसे मान लीजिए मैं ये प्रोग्राम अभी कर रहा था जावा 1D एरे का, तो ये डिस्कशन सेंटर है, यहाँ पर जो है डिफरेंट लोग जो हैं, अलग अलग कंट्री के लोग जो हैं अपने डिस्कशन शेयर करते हैं जिनसे ये प्रोग्राम हो चुका होता है। तो आपको सॉल्यूशंस का हिंट भी यहाँ मिल जाएगा, लेकिन यूजुअली हैकर क्या करता है, सॉल्यूशंस के हिंट जो है वो डिलीट कर देता है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस हिंट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी, आप अपने क्वेरी को यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हेल्प मिल जाती है। साथ ही साथ अगर सर्टिफिकेशन वाला कोर्स आप करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, आपको बस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और जैसे ही आप प्रॉब्लम सारा का सारा सॉल्व कर देंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके नाम से, तो आपके लिए एक बेनिफिट और हो जाएगा, फ्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर कंपटीशन चाहते हैं तो आपको कंपटीशन भी अलग अलग जगह पर मिलेंगे, साइनअप करना होता है, जो कि बिल्कुल फ्री है। चैलेंजेस देख लीजिए, अलग अलग मिलेंगे आपको, जो कि बिल्कुल फ्री है। जॉब्स अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जॉब्स भी मिल जाएंगे, कौन सी कंपनी क्या हायर करना चाहती है। तो देखिए, ये हैकर रैंक
लीड डेवॉप्स नाम की है, सीनियर बैकएंड इंजीनियर, मतलब आपको डाटाबेस पेज में काम करना होगा, न्यूयॉर्क सिटी, पूरे कंट्री से यहाँ पे जॉब ऑफर्स आते हैं। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है आपके साथ, ठीक है। तो ये रहा हैकर रैंक। अब हम दूसरा वेबसाइट के बारे में जानेंगे जो कि है कोडसेफ। कोडसेफ एक अच्छी प्लेटफॉर्म है, अगर आप कोडिंग सच में करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को कंपटीटर मानते हैं तो आप कोडसेफ पे जरूर प्रोग्रामिंग करें, ठीक है। तो कोडसेफ पे यार करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है कोडर ब्रेंस के नाम से, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन हो गया। लेकिन अगर आपको अपना बनाना है पहले से, अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, तो मैं लॉगआउट होकर दिखाता हूँ कि आखिर क्या करना होता है। तो देखिए यहाँ पे तो मेरा यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो न्यू यूजर पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू यूजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो होगा क्या, न्यू यूजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यूज़र नेम ऐसा डालना होगा जो कि पहले से कोई ना डाला हो और बीच में आपको स्पेस नहीं चाहिए, तो कोई यूज़र नेम ऐसा डालना होगा। नेम अपना यूजर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी कोई वैलिड ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड अपना खुद से डालिए, मेल फीमेल जो भी हैं आप डालिए, सिटी का नाम डालिए और स्टूडेंट प्रोफेशनल अदर्स जो भी हैं आप डालिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिए यहीं पर कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी मोस्ट प्रीफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी आप यहाँ पर डाल लीजिए, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे और उसके बाद आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए मेरा लॉगिन हो गया, ठीक है। तो ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पे आप क्या करें कि प्रैक्टिस एंड लर्न में जाएं यहाँ पे। उसके बाद जो है, अगर आपको प्रॉब्लम्स करने में मज़ा आता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आप अगर ढूंढते हैं बुक्स में तो नहीं मिलते हैं, तो आपको अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम बाय डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करिए और इस पर क्लिक करने के बाद जो है, देखिए यहाँ पे आ गया जितने भी प्रोग्राम्स इस पर हैं, इस पर तो प्रोग्राम्स की कमी नहीं है, आपको बस करना क्या है, सक्सेसफुल सबमिशन पर जाना है। सक्सेसफुल सबमिशन पर क्लिक करने के बाद ऐसे प्रोग्राम्स आएंगे जो सबसे ज़्यादा लोग सबमिट कर चुके हैं, ठीक है। एक्यूरेसी जिनकी सबसे ज़्यादा, वैसे प्रोग्राम्स आएंगे, ठीक है। तो ये सब प्रोग्राम आएंगे, उसके बाद जो है आप शुरू से अंत तक एक एक प्रोग्राम को करिए। और प्रोग्राम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, जैसे मान लीजिए मैंने ये प्रोग्राम क्लिक किया, तो ये प्रोग्राम क्लिक किया तो मेरे पास दो चीज़ें आएंगी, ठीक है। एक आएगा क्या, प्रॉब्लम कोड आएगा। तो इसके लिए मुझे अब कैसे कोडिंग करनी है, क्योंकि इसमें कोडिंग का कोई जगह नहीं देता, ठीक है, जैसे हैकर रैंक में देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोडिंग की जगह नहीं देता, इसके लिए हमको एक अलग आईडी ओपन करना होता है। तो मैं इसको अलग टैब में खोलूँगा, तो यहाँ पे देखिए मेरा एक आईडी ओपन होगा, तो कोड कंपाइल एंड रन यहाँ पे होगा, हाँ यहाँ पे मेरा आईडी ओपन हो गया, ठीक है। तो मैं जिस भी लैंग्वेज में करना चाहता हूँ उस लैंग्वेज पर मैंने क्लिक किया, जैसे जावा में मैं करना चाहता हूँ तो जावा पे क्लिक किया, तो अपने आप इतना कोड लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे आ गया योर कोड गोज हियर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन जानने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्टेस्ट नेम और प्रॉब्लम कोड यहाँ पे मिल जाएगा आपको, इसको फ्लो 017, ठीक है। तो उसको यहाँ पर डालना है, केस सेंसिटिव है तो केस का ध्यान रखना है, फ्लो 017, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे लिखना होगा क्या, प्रैक्टिस, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेक्शन से बना रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी लिखना होगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस यहाँ पे डाल दें, उसके बाद जो है एक बार फिर से मैं डालता हूँ 017, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें, सेकंड लार्जेस्ट, हाँ। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करें तो आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आप पढ़ें और उसके बाद जो है यहाँ पे कोड को रन कर लें, कोड रन हो गया उसके बाद सबमिट करते, सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक और बेनिफिट है कोडसेफ में, जो हैकर रैंक से इसको अलग बनाती है थोड़ी सी, वो ये है कि आप कंपटीशन इस पर बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप डेली कंपटीशन करना चाहते हैं उसके बेसिस पे आपको मिलेंगे, साथ ही साथ लॉन्ग कंपटीशन आपको चाहिए 10 डेज 20 डेज का, वे भी आपको मिलेगा यहाँ पे, महीने भर का भी इंटर्नशिप यहाँ पे कंपटीशन मिलता है, तो ये काफ़ी इसको अच्छा बना देता है। जैसे मैं ऑल रनिंग कॉन्टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट अभी चल रहा होगा, देखिए तो ये प्रेजेंट कॉन्टेस्ट्स है, मतलब अभी तक ये कॉन्टेस्ट जो है अभी चल रहा है, रनिंग है। फ्यूचर में ये आने वाले हैं सारे कॉन्टेस्ट, और पास्ट कॉन्टेस्ट मतलब जो बीत गए हैं वो उनकी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा कंपटीशन चलते रहता है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को माप पाते हैं कि आप कितना पढ़ पाए हैं, कितना पढ़ चुके हैं और कितना आपकी जानकारी है, आपकी रैंक जो है यहाँ पे बता दी जाती है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया कोडसेफ। दूसरा एक बड़ा ही मज़ेदार हम वेबसाइट के बारे में जानेंगे, क्योंकि AKTU आपको ये सब चीज़ें नहीं कराने वाला, AKTU के सिलेबस में है भी नहीं, तो आपको खुद से ज़रूर करना है, और अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं
तो जो है आपकी प्लेसमेंट उतनी अच्छी ढंग से नहीं हो पाती है, क्योंकि आप तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ के जाते हैं लेकिन कंपनीज में जो है प्रैक्टिकल काम करना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें बदल जाती है वहाँ पे सिनेरियो बदल जाता है, ठीक है। वहाँ पे होमवर्क और असाइनमेंट्स वगैरह नहीं होते, वहाँ पे आपको काम करके दिखाना होता है, प्रोजेक्ट्स करके दिखाने होते हैं, आपकी नॉलेज वैसे कोडिंग में मापी जाती है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्लेसमेंट अगर लेना है तो आपको क्या है कि आपको पहले कोडिंग राउंड पास करना है, फिर टेक्निकल राउंड, फिर एचआर राउंड, ऐसे बहुत सारे 5-6 राउंड होते हैं, ठीक है, जिनकी जानकारी मैं एक अलग वीडियो में दे चुका हूँ। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर, ठीक है। तो अलग अलग राउंड्स होते हैं जिसमें एक कोडिंग राउंड भी होता है, और कोडिंग राउंड में आसान आसान क्वेश्चन नहीं लिए जाते। वे कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, वो इन्हीं वेबसाइट से क्वेश्चन उठाते हैं, हैकर रैंक हो गया, कोडसेफ हो गया, और नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ गिग्स फॉर गिग्स, ये जो है यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स मिलेगी, इतनी प्रॉब्लम्स मिलेगी कि आप खुद सकते पड़ जाएंगे पहले मैं कौन सा प्रॉब्लम करूँ। लेकिन आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर जो है आपको अलग अलग जगह से प्रॉब्लम्स नहीं उठाने, आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए यार यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, तो अगर नहीं है तो आप साइनअप पे क्लिक करेंगे और ईमेल आईडी पासवर्ड अपना डालेंगे, इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप डालेंगे, जिस आप इंस्टीट्यूट या कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका नाम डालेंगे, उसके बाद साइनअप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और होता है कि आपके कॉलेज में जितने लोग इस वेबसाइट पर अपना लॉगिन किए होंगे उसके अकॉर्डिंग भी आपका सॉरी रैंक दिखाता है, उसके अकॉर्डिंग भी इसका रैंक दिखाता है। मतलब आपके कॉलेज में अगर 10 लोग किए हैं, 10 लोग कितना कितना क्वेश्चन किए, उसके अकॉर्डिंग भी आपका रैंक दिखाता है कि उन 10 लोगों में आप कितना रैंक है। साथ ही साथ वो आपके पूरे कंट्री लेवल पे एक अलग रैंक दिखाता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक अलग रैंक दिखाता है, तो इसमें ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखते हैं अब कोर्सेज़ क्या क्या हैं इसमें। देखिए, इसमें एक अलग फ़ायदा ये है कि आपको कोर्सेज़ पर जब क्लिक करेंगे तो आपको दुनिया की मतलब कंप्यूटर साइंस में जितनी भी कोर्सेज प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक दो छोड़ के, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सारी की सारी आपको कोर्सेज मिल जाएंगी। अगर पे लायक है तो देखिए, जैसे DSA पेएबल है तो पे करने के लिए, पे करने के बाद आपको मिलेगा, अगर पेएबल नहीं है तो फिर आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट वेरीफाई हो रहा है, सॉरी अकाउंट में फिर से मुझे, हाँ अकाउंट मेरा ये रहा, इसके बाद मैं सबमिट करता हूँ, ये रहा मेरा अकाउंट गिग्स फॉर गिग्स का। तो आई होप कि मेरा लॉगिन हो गया, हाँ मेरा लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि आपको जो है प्रॉब्लम्स कैसे करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कोर्सेज के बारे में बता रहा था, तो कोर्सेज ये रहे लाइव कोर्सेज जो अभी आप लॉकडाउन में लाइव पढ़ सकते हो, वो लाइव कोर्सेज अलग हैं। ऑनलाइन कोर्सेज जो आप ऑनलाइन कभी भी वीडियो देख सकते हो। लाइव कोर्सेज में क्या है कि आपकी टाइमिंग फिक्स होती है, आपको उसी समय लॉगिन होना पड़ता है, उस समय लाइव पढ़ना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज में क्या है कि अभी एक बार लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लिया तो आप कभी भी उस वीडियो को देख सकते हो, प्रीमियम लेक्चर्स होते हैं वो, ठीक है। तो कुछ कोर्सेज जो है फ्री हैं, कुछ जो है पेएबल हैं, तो आप पहले पे करेंगे फिर आप देखेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस सेक्शन पर ध्यान देते हैं कि आखिर हम प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, ये रहा मेरा प्रैक्टिस सेक्शन। यहाँ पे एक चीज़ फ़ायदा हो जाता है कि आपको पूरा टॉपिक वाइज अलग अलग हैकर रैंक की तरह ही बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो मैं एरे पे सिंपली क्लिक करता हूँ, तो देखिए एरे पे जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास हाँ ऑप्शंस आए। अब ऑप्शंस क्या क्या हैं कि प्रॉब्लम टाइप, आप प्रॉब्लम टाइप कैसा चाहते हैं, डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी अगर आप हार्ड, मीडियम, इजी, बेसिक और स्कूल लेवल, मतलब 5 तरह की डिफ़िकल्टी मिलता है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि हमें पता है कि हम कितना अपने आप को आँक सकते हैं। तो स्कूल लेवल से पहले शुरू करिएगा, अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो पहले स्कूल लेवल से शुरू करिएगा। और स्कूल लेवल पे मान लीजिए आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो कुछ अलग क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, देखिए क्वेश्चंस बदल गए, ठीक है। इसके साथ साथ आप कंपनी टैक्स पे भी जा सकते हैं, जैसे आप अमेज़न के लिए तैयारी करना चाहते हैं अभी से ही, तो आप अमेज़न पे क्लिक करेंगे तो वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे जो अमेज़न में ही पूछे गए। देखिए सब में अमेज़न होगा, देखिए अमेज़न टैक्स है यहाँ पे, अमेज़न का टैग है, मतलब ये क्वेश्चन जो है स्कूल लेवल के हैं लेकिन अमेज़न में पूछे गए हैं, 3 ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि स्कूल लेवल में माइक्रोसॉफ्ट ये भी क्वेश्चन किया है, माइक्रोसॉफ्ट भी 3-4 क्वेश्चन स्कूल लेवल का किया है। अगर आप हार्ड पे जाते हैं तो हार्ड पे डेफिनेटली ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चंस अभी आप सॉल्व करते जाएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, देखिए 4 हो गए। तो इस तरह से आप चाहें तो कंपनी टैक्स पे भी कर सकते हैं सॉर्ट बाय, ठीक है। तो ये यार 3 मेन वेबसाइट्स थे, आई होप कि आपको ये वेबसाइट्स अच्छे लगे हों और आप इसमें से किसी एक पे ज़रूर प्रोग्रामिंग करें। और हाँ, एक खास चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप इन तीनों
वेबसाइट्स में से कोई एक वेबसाइट चुनते हैं तो केवल उसी की प्रोग्रामिंग करें। ऐसा नहीं है कि आप गिग्स फॉर गिग्स पे भी करिए, कोडसेप पे करिए और हैकरैक पे भी करिए, बिल्कुल नहीं। कोई एक वेबसाइट चुनिए, उसको ख़त्म करिए, मतलब उसके सारे क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट कर ही डालिए। ऐसा नहीं है कि कुछ इस पे क्वेश्चन बनाए, कुछ हैकरैक से बनाइए, कुछ कोडसेप से बनाइए, तो बिल्कुल नहीं। ऐसा होने से आपको घाटा ही घाटा होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सच में ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना देरी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।